हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने लावा के मोबाइल में डेवलपमेंट सेटिंग को यूज़ करोगे और इसको ऑन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में डेवलपमेंट सेटिंग नहीं आ रही है तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आज की मैं दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ डेवलपमेंट सेटिंग मेरे फ़ोन में यहाँ पे कहीं से कहीं तक शो नहीं होगी। और डेवलपमेंट सेटिंग दोस्तों आपके सिस्टम सेटिंग में शो होती है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट सेटिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन में भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग यहाँ पर शो नहीं होती है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो डेवलपमेंट सेटिंग है यहाँ पर वो शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लावा वाले मोबाइल में आपको जाना है दोस्तों माई फ़ोन सेटिंग में, अबाउट फोन सेटिंग में जाना है आपको। तो अबाउट फोन सेटिंग में जाने में दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तो लास्ट आ जाएगा आपका बिल नंबर। तो यहाँ पर आपको टैप करना है 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों एक और टैप करोगे आप 7 टैप करने के बाद यू आर डेवलपर, नाउ यू आर डेवलपर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैक हो जाना है। अब दोस्तों वापस से फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर लो। फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक बार सर्च करके ट्राई करते हैं डेवलपमेंट सेटिंग हमारे फ़ोन में शो हो रही है नहीं हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हो डेवलपमेंट सेटिंग यहाँ पर शो हो चुकी है और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों डेवलपमेंट सेटिंग में आपको पता ही होगा दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग होती है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊँ तो उससे तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी सेटिंग है यहाँ पे। तो इस तरह दोस्तों आप अपने डेवलपमेंट सेटिंग को दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप एक सेटिंग है, पिक्चर कलर मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट को यहाँ पर आप ऑन कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई अपडेट वैन डिवाइस रिस्टार्ट, तो यहाँ पर आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में अपने फ़ोन की। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों डेवलपमेंट सेटिंग यहाँ पर शो हो गई है। दोस्तों यहाँ पर आप डेवलपमेंट को यूज़ कर सकते हो इस पर क्लिक करके। और दोस्तों बाई मिस्टेक यहाँ से आप इसको ऑफ करते हो, अब बैक हो जाओ दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट सेटिंग ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, आपके फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैं सर्च भी करता हूँ डेवलपमेंट सेटिंग तो यहाँ पे वो नहीं आएगी। अब वापस से दोस्तों यहाँ पर आपको माई फ़ोन सेटिंग में जाना पड़ेगा, अबाउट फोन सेटिंग में, और यहाँ पर आपको 7 टैप करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों 4 टैप और करने के बाद डेवलपमेंट सेटिंग हमारे फ़ोन में ऑन हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।